किसान आंदोलन ने एक बार फिर से देश को जहां नई तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया, वहीं केंद्र सरकार को लगातार झुकाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। किसान आंदोलन का लगातार कई दलों ने समर्थन भी किया है, तो कई विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के अपनी तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लगातार किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक वो इसमें नाकामयाब रहे। लेकिन अब जहां किसान की जागरूकता ये है कि वो लगातार देश भर में अडानी और अंबानी की सामानों का बहिष्कार करने से लेकर के जियो के टावर को तोड़ने तक के कार्यों को किया गया है, अब इसके बाद किसानों के निशाने पर आ गए हैं बाबा रामदेव। अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव के सामानों का बहिष्कार करना है, ये नहीं कि कोई भी उनके स्टोर पर तोड़फोड़ करें। किसानों ने कहा है, उनके नेता जो है गुरु नाम सिंह चरौनी ने कहा है, बाबा रामदेव के सामानों का बहिष्कार करना है, उनके स्टोर पर तोड़फोड़ ना करें, हमें केवल उनके सामानों का बहिष्कार करना है। हरियाणा के टोल प्लाजा उस समय तक बंद रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती और आने वाले पंचायत चुनाव में उस व्यक्ति को साथ दे जो इस समय किसान आंदोलन में साथ खड़ा है। तो ये पंजाबियों के एक नेता हैं जो लगातार किसानों के एक नेता हैं जो लगातार किसानों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना हिंसा किए हुए और लगातार लोगों का समर्थन भी हासिल करना है और उन लोगों का बहिष्कार करना है जो जनता को बरगला रहे हैं। इसी कड़ी में अब बाबा रामदेव भी किसानों के निशाने पर है। सुनिए किसानों के नेता ने क्या कुछ कहा है। भाई अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव, इनके जो उत्पाद है वो हमने नहीं खरीदने, उनका बायकॉट करना है। लेकिन ये नहीं कि उनके खड्डे खोदने, किसी की दुकान का ताला लगाने, ये नहीं करना। हमने नहीं खरीदने, उनका बायकॉट करना है। जियो की सिम पोर्ट करा देनी है और हरियाणा के जो टोल बैरियर हैं वो तब तक फ्री रहेंगे जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। और एक बड़ी अहम बात और कि हरियाणा के अंदर चुनाव है आने वाले टाइम में भी बहुत नजदीक, और उसके लिए ये बेनती है कि जो भाई इस आंदोलन में सहयोग ना करे, जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, जो भाई इस जो धर्म युद्ध चल रहा है हरियाणा का में चुनाव है, जो भाई इस धर्म युद्ध में सहयोग ना दे उसको वोट नहीं डालने, थोड़ा दूर डाल देना। ये अगले आंदोलन के ये फैसले हैं और मैं सब भाइयों से बेनती करूंगा कि इन पे अमल करें। आपने हमारी बात सुनी, टाइम दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।